मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों कथा को आदौ गुरुत्व देउनाहांती अभियोग करिछंती विक्रमादित्य सिंह तांकर एभली राग एभली समय सामना को आसी जेतेबेले राज्यसभा निर्वाचन रे 6 कांग्रेस विधायक क्रॉस वोटिंग करिछंती एकथा स्पष्ट बयान करिछि हिमाचल प्रदेश रे कांग्रेस सरकार रे सबकिछि ठीक चली नाही राज्य कांग्रेस रे फाट मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को समस्या बढ़ाई देछि परिस्थिति एभली होईछि समस्या समाधान पाई राज्य रे पहुंचीछि जातीय कांग्रेस रो एक टीम हरियाणा रो पूर्वतन मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और कर्नाटक रो उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हिमाचल कांग्रेस रो समस्या समाधान पाई एबे हिमाचल रे डेरा पकाई lost a very senior leader and I think our honorable chief minister accepted that some failure has happened but it will not continue further we have spoken to all the MLAs personally we have spoken to the PCC president we have spoken to the chief minister still one round of discussion also will happen later so all of them have sorted out all their differences They'll work together. They will see that in the Lok Sabha, they come out with a good numbers. And there is no, we are forming a coordination committee between the party and the government. Rajya Sabha ki seat ko nahi jita paaye. Ek bahut hi eminent lawyer desh ke number ya 2 ya 3 par jo aate the, unko yahan se candidate banakar humne field mein utara tha. उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके उस बात का हमको सबको बहुत खेद है अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है वैसे तो हम कर ही रहे हैं फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं पर मुझे लगता है कि फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है जो हम करेंगे इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ जिसमें पर्ची जो खुली हो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था उस समय मेरे सामने एक न्यूज आई जिसका कि मैं खंडन खुल नहीं करना चाहता मुझे पता भी नहीं था मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया अब पता नहीं कहां से ये न्यूज आई अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाई कमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी पर वो न्यूज चली फिर मैंने उसका खंडन किया वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए गोटे पटे क्रॉस वोटिंग करी 6 जन विधायकों को अयोग्य घोषणा करा जाय छी तो अन्य पटे विक्रमादित्य और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भीतर चली बदर समाधान पाई उद्यम चलती जातीय दल बहुमत थिबा मुख्यमंत्री सुक्खू को दाबी कांग्रेस सरकार भांगिबा को बीजेपी रो उद्यम राज्य राजनीति में जारी रही हलचल भितर किंतु दंभोक्ति प्रकाश कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तांको पाखरे बहुमत अच्छी आउ तांको सरकार आदौ भांगिबो नाही बोली से दाबी करिछंती सेपटे विरोधी दल नेता जयराम ठाकुर कहिछंती जे जेउ विधायकों को बहिष्कार करा जायछि सेमानकु बीजेपी रो समर्थन रहिछि कांग्रेस विधायक माने सार्वजनिक भावे निज कष्ट जाहिर करुछंती हेले दलर हाईकमाण्ड चुप रहिछंती जहाँ कांग्रेस रो दुर्बलता को दर्शाउछि हिमाचल रे कांग्रेस सरकार भांगिजिबो विधायकों को 15 विधायकों को सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि बजट पास करने के लिए उनके पास बहुमत नहीं था और इस प्रकार से आगे बढ़ करके आज 6 विधायकों को का निष्कासन किया कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी इसलिए क्योंकि कांग्रेस को राहत देनी थी
जो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है, चाहे वो जनता के बीच की बात कहे, चाहे इसके अतिरिक्त हम सारे विधानसभा के सदस्यों के बीच में बात कहे, विधानसभा के अंदर की बात कहे, चाहे उनकी पार्टी के अंदर बात कहे, जो हालात चल रहे हैं। इसलिए मुझे इतना ही कहना है कि विधायक दल ने उस सारी बात का बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है और अध्यक्ष महोदय के व्यवहार की निंदा की है। भाजपा ने जिस तरीके से अपने ये राज्यसभा चुनाव को जीतने के लिए हथकंडे अपना करके क्रॉस वोटिंग करवाई है, उसके बाद से ये पैनिक जो है भाजपा के द्वारा मचाया गया था। और आप जानते हैं कि 14 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हमारे चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, छोटी मोटी नाराजगी थी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद, ये प्रॉब्लम खड़ी हुई, पर अब ये जो सब कुछ है ये सेटल डाउन हो चुका है। ऑब्जर्वर्स आ गए हैं, हमारे इंचार्ज यहाँ पर थे और सब MLA से बात हो गई है, जिनके कोई ग्रीवेंसेस वगैरह भी थे वो भी सब उनको भी सबको एड्रेस कर दिया गया है और अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। हिमाचल प्रदेश रे मोट 68 विधानसभा आसन रही बेले सरकार गढ़ा पाई मैजिक नंबर रही 35, जेउथरु कांग्रेस 40 जन रही बेले बीजेपी 25 एवं स्वाधीन विधायक 3 रही। 6 कांग्रेस विधायकों को बाद देले कांग्रेस पाखरे 34 आसन रही जाउछि। 6 कांग्रेस विधायकों को बाद देले कांग्रेस पाखरे 34 आसन रही जाउछि। 3 स्वाधीन विधायकों समर्थन सरकार को पाखरे रहिछि। एभली समय रे जदि विधानसभा रे अविश्वास प्रस्ताव आसे ताहले सहजरे एथिरे बाजी मारी पारिबे सुखविंदर सुक्खु। मात्र एथिपाई विक्रमादित्य सिंह और तांको सह सहयोगी विधायकों समर्थन रहिबा जरूरी। जदि सेमाने सुक्खु को समर्थन करंती नाही ताहले एहा वर्तमान सरकार पाई बड़ समस्या होई पारे। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।